मेरे भालू, क्या आपके फ्लिपकार्ट पे इस प्रकार की प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, समथिंग वेंट रॉन्ग की प्रॉब्लम, और वहाँ पे लिखा हुआ रिट्राई, और वहीं पे दोस्तों यहाँ पे आपको एक दूसरी प्रॉब्लम और आ रही है, नो कनेक्शन प्रॉब्लम। तो ये दोनों प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है आज के इस वीडियो में हम आप सभी दोस्तों को बताने वाला हूँ। जो कि इस यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग की प्रॉब्लम है आपको फेस करने को मिल रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप लोग जानना चाहते हो ये प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना, और वहीं पे लिख के आता है दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन एरर प्रॉब्लम। तो दोस्तों यहाँ पे आइए जानते हैं आज का वीडियो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही, नो इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम। ये दो प्रॉब्लम आपको ज़्यादा फेस करने को मिल रही हैं इस टाइम पे फ्लिपकार्ट के अंदर। यस गाइस, आज की इस वीडियो को कंप्लीट फुल वॉच करना है, ट्रिक को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर लेना है। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान से मेरी बात को समझना है। आपको आना है अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। दोस्तों मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का जो आपका फ्लिपकार्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऑफिशियली प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको सर्च बार में फ्लिपकार्ट सर्च करना है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे आप लोग फ्लिपकार्ट सर्च करते हो, आपका फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है वो आपका आ जाएगा। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को सक्सेसफुली सबसे पहले आपको अपडेट कर लेना है। आपका अपडेट मांग रहा होगा। यदि आप लोग दोस्तों पहले से ही अपडेट कर रखे हो तब आपको क्या करना है, वो चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से फ्लिपकार्ट को एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। जैसे आपका सक्सेसफुली अपडेट होता है एंड उसके बाद में यहाँ से आपको वापस आना है। वापस आने के बाद में सबसे पहले आपको एक बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई लोग, ये आखिर प्रॉब्लम क्या होने वाली है और ये प्रॉब्लम आखिर क्यों आती है फ्लिपकार्ट के अंदर, वो चीज़ जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बताते चलें, ये प्रॉब्लम जो है गाइस यहाँ पे आपके इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आती, जो आपका इंटरनेट स्पीड होता है, इंटरनेट इशू होता है। एंड वहीं पे बात की जाए जो फ्लिपकार्ट का इंटरनेट से कनेक्शन कट हो जाता है, फिर उसके बाद में ये प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलती है। तो इसके ऊपर प्रेस करना है, आपको ऐप इंफॉर्मेशन के अंदर आना है एंड यहाँ पे आने के बाद में आपको एक बार फोर्स स्टॉप करना है एंड स्टोरेज पे आना है। फ्लिपकार्ट का आपको क्लियर कैश करना है, क्लियर ऑल डाटा बिल्कुल नहीं करना, क्लियर कैश करना है। अब क्लियर कैश करने के बाद में आपका दोस्तों यहाँ पे काम है कंप्लीट हो चुका है। आपको क्या करना है, लास्ट में एक काम कर लेना है, आपको अपने मोबाइल फोन की फ्रेश पावर वाले बटन पे प्रेस करना है एंड अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करना है। यस गाइस, आपको अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करना है, इसके ऊपर दबाना है। आपके फ़ोन में दूसरा ऑप्शन होगा रिस्टार्ट करने का, आपको अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपका सारा काम है कंप्लीट हो जाएगा। काम कंप्लीट होने के बाद में मैं अभी आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, जो आपका फ्लिपकार्ट है अच्छे से वर्क करेगा आपके मोबाइल फ़ोन की डिवाइस में। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो, फुल्ली तरीके से हमारे मोबाइल फ़ोन में फ्लिपकार्ट है इस टाइम पे वर्क कर रहा है। मेरे को कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है फेस करने को नहीं मिल रहा है। सो दोस्तों यहाँ पे अब आप लोग समझ ही चुके होंगे एंड दोस्तों यहाँ पे आप लोग, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। मिलते हैं किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।